हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यू बी ए थर्ड ईयर इंग्लिश लिटरेचर क्लास। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस योर फर्स्ट पेपर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इन टुडे सेशन आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके हम स्टार्ट करने से पहले हम आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में बताएंगे, उसके बाद हम वहाँ तक पहुँचेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। जो आज का टॉपिक है ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल, इसके बारे में बताने से पहले हम आपको हिस्ट्री ऑफ द बाइबल, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई, कितना, इसका शॉर्ट्स में मैं आपको बता देती हूँ। उसके बाद मैं आपको इसको लास्ट में पूरा समराइज कर दूँगी अपनी लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में ही बता दूँगी, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले देखते हैं बाइबल। बाइबल क्या है? आ बुक कंसिडर्ड अथॉरिटेटिव इन इट्स फील्ड, द बाइबल ऑफ केरला किंग। इसकी हम आउटलाइन देखते हैं आज के, उसमें क्या क्या रहेंगी आपका। सबसे पहले मैं आपको इसके इंट्रोडक्शन में बताऊंगी व्हाट इज़ द बाइबल, बाइबल क्या होती है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द बाइबल, इसका नेचर कैसे है, इसका मतलब इसको इंस्पायरेशन कहाँ से मिली है, व्हाट इज़ द सेंट्रल नरेटिव ऑफ द बाइबल, नरेटिव क्या है, रिडेम्पशन है इसकी, इज़ द बाइबल वी परचेज़ टुडे अथेंटिक, अथेंटिसिटी जो इसका ट्रांसमिशन हुआ है वो, इसके बाद जो रेफरेंसेस इसके बताऊंगी मैं, फिर मैंने एक पॉइंट इसमें नहीं लिखा हुआ है, वो ये है कि मैं इसको आपको फिर से समराइज कर दूंगी पूरा, जिससे आपको जो ये चीज़ मैं दिखाऊंगी स्लाइड्स के थ्रू कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी। उसके बाद मैं इसको ऑथराइज्ड बाइबल क्या है इनको अपनी लैंग्वेज में भी क्लियर करूंगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम आपको चलते हैं इसका इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन व्हाट इज द बाइबल। देखिए, इंट्रोडक्शन व्हाट इज द बाइबल, अ कलेक्शन ऑफ 66 बुक्स। आपका जो 66 बुक का कलेक्शन होता है, इसमें ओल्ड और न्यू को मिला के बनेंगी, वो मैं आगे बताऊंगी। रिटन ओवर अ पीरियड ऑफ अप्रॉक्स 1500 ईयर्स बाय मैनी डिफरेंट ऑथर्स, 30 प्लस हैं इसमें ऑफ डाइवर्स बैकग्राउंड, इन 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस। कौन कौन सी इसमें जो लैंग्वेज रही है, मेन रही है, उसमें रही हेब्रू, ग्रीक, अरामिक। कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट जेनर्स, हिस्ट्री, प्रोवर्ब्स, लेटर्स एक्स्ट्रा एक्सेट्रा। ये आपकी लिस्ट है, लेकिन ये आपको यहाँ पे इतनी क्लियर नहीं हो पाई, आगे मैं आपको इसकी लिस्ट शो कर दूंगी। देखिए, इंट्रोडक्शन में अगर इसकी बात करते हैं हम, ये 66 बुक कौन सी हैं, आपकी ये 2 टेस्टामेंट पे चलती हैं, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट, 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई। 39 बुक्स जो आपकी हैं वो ओल्ड टेस्टामेंट्स की हैं, और 27 बुक्स आपकी न्यू टेस्टामेंट्स में हैं। द कैनोनाइजेशन ऑफ द बाइबल, द ओल्ड टेस्टामेंट इज एग्जैक्टली द सेम एज द हेब्रू स्क्रिप्चर। जो तनका था इसका हेब्रू स्क्रिप्चर बिल्कुल उसी की तरह है, ओनली डिफरेंट इन इट्स अरेंजमेंट, ये केवल अरेंजमेंट में डिफरेंट है। इसके बाद इंस्पायरेशन, व्हाट इज द नेचर ऑफ द बाइबल, ऑफ द बाइबल, इसको इंस्पायरेशन लिखने का कहाँ से मिला, इसमें क्या थीम, क्या कॉन्सेप्ट रखे गए, उसके बारे में बात करते हैं। द नेचर ऑफ द बाइबल एज द इंस्पायर्ड वर्ड ऑफ गॉड, द बाइबल कंटेन्स द वर्ड ऑफ वर्ड्स ऑफ गॉड, इसमें क्या है, मतलब जो भगवान के द्वारा कहे गए शब्द हैं उनको इसमें रखा गया है। रिपीटेड फ्रेज ऑफ द से द लॉर्ड, इस तरह के फ्रेज इसमें रिपीट किए गए इन द ओल्ड टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट में। देखिए क्या क्या कहते हैं इसमें, दस दस सेज द लॉर्ड, लेट नॉट द वाइज मैन बोस्ट इन हिज विजडम, लेट नॉट द माइटी मैन बोस्ट in his might, let not the rich man boast in his riches, but let him who boast in this, that he understand and knows me, that I am the Lord who practices steadfast love, justice and righteousness in the earth, for in these things I delight, declares the Lord. ये जेरेमायाह के इतने इतने उसमें लिखा हुआ है इस तरह से।
द बाइबल एज द इंस्पायर्ड वर्ड ऑफ गॉड. स्क्रिप्चर किसको कहते हैं? राइटिंग को कहते हैं. इंस्पायर्ड गॉड ब्रीथ. इंस्पायरेशन थ्रू ह्यूमन एजेंसी. ऑल स्क्रिप्चर्स इज, देखिए अलग अलग उसमें लिखा गया है, ऑल स्क्रिप्चर इज इंस्पायर्ड बाई गॉड एंड प्रॉफिटेबल फॉर टीचिंग, फॉर रिप्रूफ, फॉर करेक्शन, फॉर ट्रेनिंग इन राइटियसनेस. बाइबिल एज बोथ, अगर हम इसके नेचर की बात करते हैं, बाइबिल एज बोथ द वर्ड ऑफ गॉड एंड द वर्ड ऑफ मैन. डिफरेंट फ्रॉम डिक्टेशन थ्योरी. इंस्पायरेशन इज दैट मिस्टीरियस प्रोसेस बाय विच द डिवाइन कैजुअलिटी वर्कड थ्रू द ह्यूमन प्रोफेट्स विदाउट डिस्ट्रॉइंग देयर इंडिविजुअल पर्सनालिटीज एंड स्टाइल्स टू प्रोड्यूस डिवाइनली ऑथोरिटेटिव एंड एनुरेंट राइटिंग्स. नॉर्मन एंड जेसलर. एग्जाम्पल द फोर गॉस्पल कौन कौन थे? मैथ्यू, मार्क, ल्यूक एंड जॉन. Above all, you must understand that no prophecies of scripture came about by the prophet's own interpretation of things, for prophecy never had its origin in the human will, but prophets, though human, spoke from God as they were कैरिड अलॉन्ग बाई द हॉली स्पिरिट. ये पीटर ने बोला हुआ है, इसकी लाइन नंबर वगैरह पेज नंबर सारा दिया हुआ है. अब हम देखते हैं रिडेम्पशन क्या होता है. वाट इज द सेंट्रल नरेटिव ऑफ द बाइबल? नरेटिव ऑफ द बाइबल क्या है? द 66 बुक्स ऑफ द बाइबल आर नॉट disconnected from each other, but forms a unified narrative story line. Diverse authors through 1500 years of history, yet one single narrative masses. A story of redemption, restoration. देखिए मैं नीचे आगे आपको इसके थ्रू शो भी करी. क्रिएशन हुआ इनका, फिर फॉल हुआ, फिर रिडेम्पशन हुआ, फिर न्यू क्रिएशन हुआ. गॉड इज द मेन कैरेक्टर थ्रू आउट द नैरेटिव. ये तो एवरीबडी नो, गॉड इज द सुप्रीम पावर, ही इज द सुप्रीम अथॉरिटी, सो ही कैन डू ईच एंड एवरीथिंग, एंड ही मेड दिस वर्ल्ड एंड ही मेड अस. देखिए आपको द नरेटिव ऑफ द बाइबल. जेनेसिस, ये आपका नंबर दिया हुआ है. इन द बिगनिंग गॉड ने जब क्रिएट किया है, गॉड हैज क्रिएटेड, गॉड क्रिएटेड द हेवर्स एंड द अर्थ. जेनेसिस में के इतने पर फिर दिया हुआ ये नंबर. सो गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज. In the image of God, He created him, male and female, and He created them. ये देखिए इसका डायग्राम बनाए. आगे इस डायग्राम के थ्रू ये समझाने की कोशिश करेंगे आपको. आई होप आप लोगों को समझ में आ जाएगा. Man's fall, rebirth. Genesis ने क्या? So when the woman saw the tree was good for food, and that it was a delight to the eyes, and that the tree was to be desired to make one wise, she took of its fruit and ate. देखिए एडम और ईव की जो स्टोरी है उसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? ये वही स्टोरी है.
एंड सी आल्सो गेव सम टू हर हस्बैंड हु वाज विथ हर एंड ही एट। मतलब जब ये उसने जो फ्रूट ऑफ वाइज विजडम का था जो आपका लगा हुआ था जिस गार्डन में, ईडन गार्डन में, वहाँ पे जब गॉड ने उसको प्रोविटेड कर दिया था खाने के लिए, लेकिन उन्होंने क्या किया था, जो उसमें फीमेल करेक्टर था ये, उसने उसकी तरफ बहुत ज़्यादा टेम्प्टेड हुई है, ठीक है, टेम्प्टेड हुई है, उसने क्या किया, उस फ्रूट को खुद भी खाया और उसको भी प्रेशरफुली अपने हस्बैंड को, एडम को भी खिला दिया, और वहीं से इन लोगों का जो आप डिक्लाइन शुरू हो जाता है पूरी तरह से, ये गॉड को जब पता चलेगा। देखिए आप कोई भी चीज़ गॉड से कैसे छिपा सकते हैं, और सुप्रीम पावर से, सुप्रीम अथॉरिटी थे, इन्होंने उनकी आज्ञा की अवहेलना की है। देखिए एंड अब्राहम लिफ्टेड अप हिज आइज एंड लुक्ड एंड बिहोल्ड बिहाइंड हिम वाजा राम कॉट इन अ थिकेट बाय हिज हॉर्न्स एंड अब्राहम वेंट एंड टुक द राम एंड ऑफर्ड इट अप एज अ बर्नट ऑफरिंग इंस्टेड ऑफ हिज सन सो अब्राहम कॉल्ड द नेम ऑफ दैट प्लेस। देखिए क्रिएशन हो रहा है, आपका फॉल हो रहा है, फिर रिडेम्पशन हो रहा है, फुलफिलमेंट। द नेक्स्ट डे ही सा जीसस कमिंग टूवर्ड्स हिम एंड सेड बीहोल्ड द लैम्ब ऑफ गॉड हु टेक्स अवे द सिन ऑफ द वर्ल्ड। मतलब जीसस आएंगे, वो इस संसार का जो भी है सिन, मतलब पाप है, उनको वो ले लेंगे और मतलब संसार को पापों से मुक्ति दिलाएंगे। उनका जो एक मैसेंजर आएगा, किसका, उस सुप्रीम अथॉरिटी का, सुप्रीम पावर का। हैब्रियस के इतना नंबर दिया हुआ है, बट एज इट इज ही हैज अपीयर्ड वंस फॉर ऑल एट द एंड ऑफ द एज पुट अवे सिन बाय द सैक्रिफाइस ऑफ हिमसेल्फ। देखिए न्यू क्रिएशन कैसे होता है आपका। देन आई सा अ न्यू हेवन एंड अ न्यू अर्थ फॉर द फर्स्ट हेवन एंड द फर्स्ट अर्थ हैड पास्ड अवे एंड द सी वाज नो मोर ही विल वाइप अवे एवरी टीयर फ्रॉम देयर आईज एंड डेथ सेल बी नो मोर नीदर सेल देयर बी मॉर्निंग nor crying nor pain anymore for the former things have passed away। पहले की चीजें थी वो गुजर गई, उनके पास फिर से एक लाइफ आई। देखिए किस तरह से क्रिएशन हुआ, फिर उनकी फाल हो गई, फिर रिडेम्पशन हुआ, उसी पीस में मिशन आया। मिशन क्या था, क्राइस्ट के आने का था, क्राइस्ट ने आके फिर न्यू क्रिएशन हुआ। फिर उन्होंने किस तरह से हर चीज़ को संभाल लिया कि हमको वो रास्ता बताया कि देखिए कहने का आशय ये, चाहे रिलीजन कोई भी हो, चाहे ये आप बाइबल की बात करिए, चाहे अपने धर्म की बात करिए, हम लोग जो हम लोगों के धर्म में आता है, हर एक में यही कहा गया कि हमको जो सुप्रीम अथॉरिटी है उससे डरना चाहिए और बुरे कार्यों से बचना चाहिए, बुरे इनियों से बचना चाहिए, जिससे हम लोग भगवान के करीब रह सकें। और उनकी जैसी आज्ञा है, जो उनके उपदेश होते हैं, वो हमको एक जीवन को किस तरह से स्पेंड करें, उस चीज़ों के जो बाउंडेशंस, जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं उसमें लिखे होते हैं। जब जो ह्यूमन बीइंग उन नियमों को पालन नहीं करता है तो वो क्या करता है, ऑटोमेटिक फॉल की तरफ जाता है। फिर उसको कोई ना कोई आपका जो हम लोगों में जैसे पुजारी होता है, कोई संत है, महात्मा है, उन लोगों में ऐसे मिशंस हैं, मिशनरीज जो आते हैं, उनको ऊपर की तरफ उठा के ले कहते नहीं तुम ऐसा करो, इस चीज़ से तुम मुक्त हो जाओगे, इस तरह का तुमसे पाप हुआ है। देखिए गलतियां सभी से होती हैं, लेकिन उन गलतियों से निकलने का भी कोई ना कोई रास्ता होता है, उसको पश्चाताप करने का होता है, रिपेंटेंट करना पड़ता है। अगर आप रिपेंटेंट करेंगे किसी चीज़ के लिए, अगर की हुई गलती को अगर हम ये मान लेते हैं गलती है और उसको कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं और उसके बदले में और कभी ना करने के लिए हम अगर श्वेयर करते हैं, तो ये क्या होता है, हमको बुराइयों से बाहर निकालता है, हम फिर से जो गॉड है, जो ईश्वर है, उसके हम करीब पहुँचते हैं। यही ह्यूमन बींग का मेन, किसी भी हॉली जो बुक होती है उसका मेन यही कहने का उद्देश्य होता है
कि जो ह्यूमन बींग है उसको कभी भी बुराइयों की तरफ नहीं जाना चाहिए, अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए। ईश्वर ने जो नियम बनाए हैं, नियम क्या बने हुए, कभी हम किसी के लिए को किसी भी तरह का हर्ट ना करें। जो भी चीज़ें अगर हमको इस चीज़ की समझ है ये गलत है तो हमको उस कार्य को नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ सभी लोग जानते हैं कि हर ह्यूमन बींग में गॉड का कुछ ना कुछ आप पार्ट रहता है, कहते हैं आत्मा में परमात्मा रहते हैं, ठीक है। जब गॉड हर ह्यूमन बीइंग में है तो हम एक दूसरे को चोट कैसे पहुंचा सकते हैं, हम एक दूसरे को हर्ट कैसे कर सकते हैं। जब हम हर्ट करते हैं तो इट मीन्स हम उस ह्यूमन बीइंग को नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उस पार्ट ऑफ गॉड को कर रहे हैं। जब पार्ट ऑफ गॉड को कर रहे हैं तो नेचुरल सी बात है, इट मीन्स यू आर मूविंग एट द रॉन्ग पार्ट। तो इस तरह से इसी चीज़ को इस बुक में भी बताया गया जो बाइबल है। आप लोगों ने, हो सकता है मे भी कुछ बच्चों ने इसको पढ़ा भी हो, कुछ ने ना पढ़ा हो, लेकिन उसी चीज़ को बताया गया है। ओके, आगे देखते हैं हम लोग जो नैरेटिव है इस बाइबल को, हम कह सकते हैं क्रिएशन हुआ, फॉल्स हुआ, रिडेम्पशन हुआ, मिशन आया, न्यू क्रिएशन फिर से हुआ। जो मिशनरी मिशन के आने से पहले का है उसको ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं, और मिशन के जो आने का बाद है का है उसको हम न्यू टेस्टामेंट कहते हैं, जिसमें उन्होंने प्रॉमिस दिए थे और इसमें न्यू टेस्टामेंट में प्रॉमिस को फुलफिल किया था। आप इस फिगर को देखिए, आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, क्योंकि और कौन कौन आए उनके शॉर्ट में मैंने नाम भी लिख रखे हैं। इस चीज़ का अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं, देन ही सेड, देखिए इधर से पूरा देखिए, द होल बाइबल पॉइंट्स टू द मिशन। ल्यूक ने क्या लिखा हुआ है, देन ही सेड टू देम, दीज आर माई वर्ड्स दैट आई स्पोक टू यू वाइल आई वॉज स्टिल विथ यू, दैट एवरीथिंग रिटन अबाउट मी इन द लॉ ऑफ Moses and the prophets and the psalm must be fulfilled। तो natural सी बात है, देखो हर चीज जब each and everything is God। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की मुझे वो लाइन्स याद आ रही हैं, बहुत पॉपुलर है उन्होंने जो अपनी ब्रह्मा पोएम में लिखी हुई है, each and everything is ब्रह्मा, I am only a puppet and the thread is in the hand of God। ब्रह्मा इज एक्टर, ब्रह्मा इज एक्शन एंड ब्रह्मा इज रिजल्ट, देन व्हाट आर वी, हम क्या हैं। लेकिन हम इस चीज़ को भूल जाते हैं, हम लोग क्या याद रखते हैं हमेशा, मैं हूँ, मैंने ऐसा किया है, मैं कर रहा हूँ, और जहाँ ये चीज़ें आती हैं वहीं से हम लोग क्या होते हैं, अपने रास्ते से मिसगाइड हो जाते हैं। जिसमें ये चीज़ आ गई, अगर हम में भी ईश्वर का पार्ट है, आप में भी पार्ट है, जो हम कर रहे हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं, आप कर रहे हो वो भी अच्छा कर रहे हो, एक दूसरे के लिए मतलब अच्छी ओपिनियंस रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वही चीज़ बता रहे हैं, ये जो आते हैं आपके मोसेस आते हैं, प्रोफेट्स आते हैं, ये साम है, इन सबको क्या बताया, गॉड के बारे में बताया, गॉड को ही लोग अप्रिशिएट करते हैं, गॉड के बताए रास्ते पर चलते हैं। नेचुरल सी बात है, जब हम दूसरों का भला करेंगे और किसी भी तरह की बुराई नहीं करेंगे तो हम ईश्वर के करीब रहेंगे, तो हमको किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। ओके बेटा, तो ये मैंने आपको बाइबल के बारे में इतना बता दिया है, अब हम इसके ट्रांसमिशंस के बारे में, आगे ये ऑथराइज्ड कैसे हुई, किसने लिखी हुई, किसकी लिखी बाइबल ऑथराइज्ड हुई, मैं इसके बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में बोलना होंगी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।